ये है थोड़े से साबुत गरम मसाला, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कच्चा हरी मिर्च, और ये है थोड़ा सा कुटी हुई लहसुन 8-10 कली, और थोड़ी सी कुटी हुई अदरक। तेल हुआ गरम, गरम में सारे मसाला डाल दीजिए। डालने के बाद ये है बॉयल्ड आलू है, इसको थोड़ा सा थोड़े देर उसी मसाले के साथ इसको थोड़ा सा भून ले। बस थोड़ा सा ही भूनना है, ज़्यादा कुछ भूनना नहीं है। ये हो गया, ये बहुत जल्दी बनता है और क्विक बनता है। तो बच्चे आप जो बैचलर हो ना, वो भी इसको बना सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ झमेला है ही नहीं। और ये है थोड़ी सी पनीर, और ये है कैप्सिकम, और ये है थोड़ा बेबी कॉर्न, जैसे जैसे आपको मिले बस। ये है थोड़ा मोटा मोटा कटा हुआ प्याज, देखिए कुछ ग्राइंड करने का झमेला ही नहीं। और ये हुआ थोड़ा सा टमाटर, सब बस 4 पीसेस करके काट लीजिए, बिल्कुल बिना झमेला का ये कुकिंग है, ताकि कोई भी बच्चा भी इसको बना सके। मैं जो भी बनाती हूँ स्पेशली इसीलिए ऐसे बनाती हूँ जो क्विक बने और बिना झमेला झंझट के बने। तो अब जितने सारे आपने इंग्रेडिएंट सिखाए उसको सारे साबुत ऐसे कढ़ाई में डाल दीजिए, पहले तो काट ही लिया होगा ना, तो उसको डाल दीजिए। और लास्ट में पनीर डालिएगा, ठीक है, क्योंकि पनीर थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो पनीर को लास्ट में छोड़िएगा। हाँ, अब देखिए मैं पनीर भी छोड़ दिया हूँ। हाँ, पनीर छोड़ने के बाद सारे को ज़रा हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, टमाटर भी थोड़ा थोड़े देर से चट डालिए, बस 1-2 सेकंड के बाद ही डालिए, कोई बात नहीं है। आप एक साथ भी डाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा हल्दी नमक ये तो आपको डालना ही पड़ेगा, और रेड चिली पाउडर वो तो देना ही है थोड़ा सा, आपके टेस्ट के अनुसार आप जितने सह सको उतना ही दो। हाँ, इसीलिए मैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं बताती हूँ। बच्चों बस यही देखो कि ये कितने जल्दी बनता है और कितना बिना झंझट से बनता है, बस वही मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बाहर जब थे मैं इनको यही सब रसोई सिखाती थी, यही सब रेसिपी उनको सिखाती थी, ताकि वो खुद कुछ चटपटा जल्दी जल्दी करके खा पाए, कम से कम उनका पेट भरे। हाँ, सर थोड़े देर चला दीजिए, उसको सारे मिला दीजिए जो भी आपने कढ़ाई के अंदर डाले हो, और तेल तो बस 1 चम्मच भर डालो, क्योंकि पनीर और ये सब टमाटर ये सब अपना अपना पानी छोड़ेगा। जो प्याज है, अदरक लहसुन है, जो तो कोई ग्रेट तो नहीं किया हम लोग, ओनली खाली तो ऐसे डाल दिया। हाँ, तो बस उसको ढक दीजिए, ढक के आपका गैस को सिम कर दीजिए, बस 5-6 मिनट होने दीजिए उसको, फिर थोड़ा सा चला लीजिए। हाँ, चला के जब जैसे आपको सूखा सूखा अच्छा लगे तो थोड़ा सूखा लो, अगर नहीं थोड़ा ग्रेवी बनाना है तो इसमें थोड़ा सा 1 कप गर्म पानी भी डाल सकते हो, और फिर हो गया आपका। इसके ऊपर आप थोड़ा सा बटर डाल सकते हो, थोड़ी सी क्रीम डाल सकते हो, थोड़ा सा हरी धनिया पत्ता डाल सकते हो, वही आपके टेस्ट के अनुसार, आपके मर्जी के अनुसार बन गया है ना। आप बस 2 रोटी लाओ या थोड़े से गर्म राइस लाओ और इसको ख़त्म करो, बस देखो बिना झंझट के 3-4 कम से कम 7 मिनट में ये बन जाता है, एकदम पक्का बन जाता है, गारंटी के साथ। और टेस्ट टेक्सचर तो मैं दिखा सकती हूँ, टेस्ट तो नहीं बता सकती हूँ, वो आप खुद खा बनाओ खाओ, और फिर मुझे कमेंट्स में बताओ कैसे।